हेलो गाइस, वेलकम टू द माय चैनल माय गर्लफ्रेंड इज डेविल के एपिसोड नंबर 69 के साथ हाजिर हूँ। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का एपिसोड। एपिसोड स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें एंड वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, और कमेंट करके ज़रूर बताना क्या पता ही है, कुछ बोलने की जरूरत है नहीं। अपने दोस्तों यारों को तो सब पता रहता है कि क्या बोलना रहता है। चलो फॉर्मेलिटी बंद करते हैं और चलिए सीधा स्टार्ट करते हैं आज का एपिसोड। एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें दिखाया था लिन और होंगियो को, दोनों के दोनों बिना कपड़ों के पड़े हुए होते हैं एक ही बेड पर। उनका तो हो गया ना नाइट वाली, नाइट हो गई वन स्टैंड नाइट वाली, नहीं ऑल नाइट, क्या ज़्यादा नहीं समझाना है, देखकर ही पता चल रहा है। और तभी अचानक से लिन का एक फ़ोन आता है और लिन उस कॉल को उठाता है और बोलता है हेलो जी कौन है बे। और तभी हमें पता चलता है लिन की मेंटर को उसका फ़ोन आया होता है, उसकी मेंटर उससे कह रही होती है कि तुम अभी तक सो रहे हो इतनी एज में भी। जो कांगलान माउंटेन की रेंज है वहाँ पर बहुत ज़्यादा मॉन्स्टर मतलब गोस्त आ चुके हैं, और एकेडमी चाहती है कि तुम जाकर उस जगह को इन्वेस्टिगेट करो अपनी टीम के साथ, और तो और उसमें रिवॉर्ड भी मिलेगा तुम्हें। जैसे ही रिवॉर्ड का नाम सुनता है उसके तो आंखों में लट्टू जग जाते हैं और बोलते हैं क्या रिवॉर्ड, अरे नहीं नहीं मतलब क्राइसिस, मैं अभी वहाँ पर पहुँचता हूँ। और जल्दी से अपने कपड़े वपड़े पहनता है, तैयार होकर निकलना स्टार्ट कर देता है। तभी होंगे जागती है और उससे कहती है हे लिन, अनदर मिशन आ गया है हमारे पास। तभी लिन उसे कहता है हाँ बिल्कुल सही कहा, अभी ये अर्जेंट मिशन है तो हमें जल्दी 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 करनी है और वहाँ पर पहुँचना है। तभी जो लिन होता है वो रोते हुए वहाँ से निकलता है और कहता है जो सोशल एनिमल है उन्हें अभी डे ऑफ नहीं मिलता, हमारे पास तो पावर है, हमें कैसे मिलेगा डे ऑफ। तभी जो होंगे होती है उसके पीछे पीछे आती है और उससे कहती है जितनी ज़्यादा कैपेसिटी होती है उतनी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। और पीछे से सीओ चिल्ला रही होती है, सीओ और सीओ के गैंग की, ब्रदर गो जल्दी जाओ। तभी हमें कगलन का माउंटेन एरिया दिखाया जाता है, वहाँ पर बहुत ज़्यादा नमूने टाइप के लोग खड़े हुए होते हैं। अब इन्हें देखकर तो मुझे वैसी हंसी छूट जाती है, तो हंस लो, पॉज करके हंस लेता हूँ और आप भी हंस लीजिए थोड़ा। अच्छा तो वाइज हम लोग हंस लिए, अब क्या ही बोलो इसको छोड़ो। और तभी हमें दिखाया जाता है लिन और लिन के ये दो टीम मेंबर होते हैं कोनिया और मोचेंग, उन सभी के बीच में खड़े हुए होते हैं। तभी जो लिन होते हैं उनको देखकर कहता है आखिरकार हम यहाँ पर आए क्यों हैं इतने ज़्यादा लोग, ऐसा लग रहा है हम मिशन पर आए हैं या फिर पार्टी करने आए हैं। तभी जो मोचेंग होता है उससे कहती है कि सिर्फ हमारी एकेडमी ने लोग नहीं भेजे हैं बल्कि नाइट पेट्रोल डिवीजन की जो टीम है मेंबर्स हैं उन्होंने भी इमरजेंसी बाउंड्री रख दी है इस मिशन के लिए, और सभी के सभी जितने भी लोग हैं वो यहाँ पर पैसे बनाने के लिए आए हैं। तभी जो कोनिया होती है वो इसका कमर पकड़ लेती है, भाई ठरकपन क्यों दिखा रही है सभी के सामने, और उसका कमर पकड़ते हुए उसे कहती है अच्छा ठीक है अब जल्दी से बैटल के लिए तैयार हो जाओ। फैटी और जो बाकी के मेंबर्स हैं वो हमारा और इंतजार नहीं कर सकते यहाँ पर, और वो लोग अदर एरिया में मिशन पर हैं। और तभी अचानक से कुछ नमूने आते हैं और वो लिन से कहते हैं आखिरकार ये लिटिल बच्चा कहाँ से आया है। तभी एक नमूना उससे कहता है जरा इसकी टेंडर स्किन को तो देखो, इसको देखकर तो लगता ही नहीं है कि ये बाउंटी हंटिंग करने के लिए यहाँ पर आया है। तभी वो लोग उससे कहते हैं ये बाउंटी हंटिंग नहीं नहीं मेरा मतलब है यहाँ पर जो मैटर है वो लोगों को बचाने के लिए है, ये चीज़ हम पर छोड़ दो, तुम घर पर जाओ और अपना जाकर सो। ये सुनने के बाद कोनिया भड़क जाती है और उस पर चिल्लाना स्टार्ट कर देती है। तभी जो लिन होता है उससे कहता है तुम्हें इतनी ज़्यादा एक्साइट होने की जरूरत नहीं है, ये हैंडसम है लेकिन सिर्फ 3 सेकंड के लिए, इससे ज़्यादा नहीं टिक पाएंगे। तभी गोश्त की आवाज़ें आने लगती हैं और सभी के सभी लोग उधर देखते हैं और बोलते हैं गोश्त का हमला आ चुका है। तभी सभी के सभी लोग इधर साइड चलो, सभी लोग सावधान रहना। इसको देखकर तो ऐसा लगता है जो टेरिफाइंग और है वो कम से कम बी लेवल रैंक का गोश्त है। तभी वो तीन नमूने होते हैं उससे बोलते हैं सभी के सभी लोग वहीं खड़े रहो, हम सबको दिखाते हैं कि ये गोश्त को हम किस तरीके से मारते हैं और किस तरीके से ये गोश्त मारे जाएंगे। हमारे करियर के लिए चीयर अप करो सब लोग, हमें वार्म अप के लिए कुछ गोश्त को मारना होगा। और तभी एक अजीब सा धुआं जैसा होता है और तीनों के तीनों उस धुएं में कूद जाते हैं, और अगले ही सेकेंड हमें दिखाया जाता है उनका पापड़ बन गया होता है, मतलब कीमा बन गया होता है कीमा। और तभी जो मोचेंग होती है उससे बोलती है मैं उन्हें बचाने के लिए जाती हूँ। तभी लिन उससे कहता है खैर छोड़ो ये पहले ही लेट हो चुका है, उनका तो पहले ही हलवा बन चुका है। तभी लिन उससे कहता है ये एक रियल बैटल फील्ड है, अगर यहाँ पर लोग एरोगेंट रहेंगे घमंडी रहेंगे और किसी की भी नहीं सुनेंगे किसी की एडवाइस को तो उन्हें प्राइस भुगतनी पड़ेगी। इसको देखकर सभी के सभी मुँह फटे रह जाते हैं। तभी लिन उससे कहता है चलो इन्हें जाने दो, इनको ब्लॉक करना एकदम यूजलेस है। और सभी के सभी लोग अपने अपने हथियार लेकर फाइट करने के लिए घुसने लगते हैं। तभी नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कुछ लड़कियों जैसा धुएं, उस धुएं में से कुछ लड़कियां निकल आती हैं, उनको हैंडसम एकदम हॉटी सेक्सी, अब ज़्यादा नहीं शब्द इस्तेमाल कर रहा ये ठीक नहीं है सेहत के लिए। और तभी सभी लड़कियाँ होते हुए कहती है हेलो ब्रदर्स क्या चल रहा है यहाँ पर, स्विम सूट पहन लिया बनी सूट क्या ही नाम ले यार बहुत ज़्यादा हो गया नाम। तभी सभी के सभी जितने भी लड़के होते हैं जो मैन होते हैं सभी के सभी आखिरकार चेंज तो हो सकते ही नहीं है और बोलते हैं आखिरकार गोश्त कहाँ पर है, ओ तेरी यहाँ पर इतनी सारे ब्यूटीफुल लड़कियाँ वूमेन कहाँ से आ गई।
और सभी के सभी उन लड़कियों में घुस जाते हैं और उनको पकड़ना स्टार्ट कर देते हैं और उनके साथ मज़े करना चालू कर देते हैं। देख अब तो आप देख ही सकते हैं, और बोलने लगते हैं मैं सिंगल हूँ तो मेरे घर पर क्यों नहीं आ जाती, मैंने अपनी ज़िंदगी बिना सिंगल ही गुजार दी है, तुम तो मेरे साथ आ जाओ और मेरी गर्लफ्रेंड बन जाओ। और आखिरकार मुझे लड़कियों को छूने का मौका मिल ही गया। ये तो बिल्कुल हैवन है, मतलब स्वर्ग है स्वर्ग। ये देखने के बाद लिन मतलब मोचैंग और कोनिया, वहाँ पर जो कोनिया होती है उनका तो मुंह लाल पड़ ही जाता है और वो बोलने लगता है वाह कितनी ज़्यादा सिस्टर्स हैं, मतलब भ्रम होता है, इल्यूजन पड़ने लगता है। तभी जो मोचैंग होते हैं बोलते हैं आखिरकार ये लोग इतने ज़्यादा क्रेजी क्यों हो गए हैं। तभी जो लिन होता है उन देखकर अपना सर पटकते हुए कहता है ये दिमागी तौर पर पागल हो चुके हैं, और होंगे उसे कहते हैं ये ख़त्म, सब कुछ ख़त्म। और तभी हमें दिखाया जाता है जो जितनी भी लड़कियाँ होती हैं वो अपने अपने असली रूप में आने लगती हैं, मतलब अपने मॉन्स्टर रूप में, और अपने अपने मॉन्स्टर रूप में आते ही वो लोगों को खाना स्टार्ट कर देती हैं, खैर कहूँ तो मॉन्स्टर खाना स्टार्ट कर देते हैं। तभी हमें लिन को दिखाया जाता है, लिन अपनी एंट्री मारता है अपनी फाइटिंग पावर से और बोलता है अच्छा तो गोश्त के साथ हम फाइट करेंगे गोश्त से, और वो अपनी आर्मी को समन कर लेता है हड्डी आर्मी को, और बोलता है यही हमारा सही समय है इन पर मूव करने का, मतलब अटैक करने का, सभी के सभी लोग इन पर अटैक करो, और सभी के सभी गोश्त और मॉन्स्टर को मारना स्टार्ट कर देते हैं। तभी अच्छा सभी लोग पहचान लेते हैं कि ये टीनेजर तो हमें लिन लेक जैसा लगता है, ओ माय गॉड ये तो लिन है हमारा हीरो बचाना आ गया हमें, और सभी के सभी मिलकर उस पर अटैक करना स्टार्ट कर देते हैं। तभी हमारा नेक्स्ट सीन शिफ्ट होता है फैटी और फैटी की टीम की तरफ, यहाँ पर वो लोग भी कुछ मॉन्स्टर से लड़ रहे होते हैं और उन्हें मॉन्स्टर उन्हें चारों तरफ से घेर लिया होता है। तभी फैटी की टीम मेंबर उससे कहता है इस तरीके से अगर हम फाइट करते रहे तो हमारी जो स्पिरिचुअल पावर है वो जल्दी ही कंज्यूम हो जाएगी, हमें उम्मीद है कि लिन हमें बचाने के लिए जल्दी आ जाएगा। और तभी दूसरा व्यवहार कहता है अच्छा होता है कि लिन यहाँ पर आ जाए, और गोश्त तो यहाँ पर बड़े और बड़े आते ही जा रहे हैं। फैटी उनसे कहता है तुम हमारे साथ मजाक कर रहे हो का, हम बिना लिन के सर्वाइव नहीं कर सकते क्या, और बोलता है हमारे पास्ट में हम जितनी भी बड़ी बैटल हुई हैं हमने लड़ी हैं, हमें बचाने के लिए लिन हमेशा आया है, और तो और वो ब्लेड हंटिंग टीम का मेंबर है जिसने इस ब्लेड हंटिंग टीम को लीड किया है, सिर्फ अकेले ही वो पूरे पूरे सबको संभालता है, और हमेशा हम जितनी बार फाइट करते हैं सपोर्टिंग रोल निभाते हैं और कुछ भी नहीं, और हमें लिन के द्वारा हमेशा बचाया जाता है, आखिरकार इसमें कमज़ोर होने में फ़र्क ही क्या है फिर। और तभी फैटी उनको बोलता है एक साथ सभी लोग अपनी पावर को इकट्ठा करो, हम अपने ब्लेड हंटिंग टीम के कैप्टन के बिना भी हम इनसे निपट के रहेंगे, हम एक साथ इकट्ठे होंगे और इनको अकेला हरा देंगे। और सही उन लोगों बोलती है ब्लैकी बोलती है हमारी जो फैटी है वो बिल्कुल सही कह रहा है, हमें फाइट करती रहनी होगी, और बोलती है मैं तुम्हारा सॉलिड सपोर्ट हूँ। और तभी सभी सभी लोग बोलते हैं अब हमारा समय आ चुका है हमारी ताकत को प्रूव करने का, और सभी मिलकर अपनी पावर इकट्ठा करते हैं स्पिरिचुअल पावर और अटैक करना स्टार्ट कर देते हैं और उन मॉन्स्टर को एक एक करके काटना स्टार्ट कर देते हैं। तभी अचानक से एक धांसू और मतलब डरावनी सी आवाज़ सुनाई देती है जिसे देखकर सभी सरप्राइज होते हैं और बोलते हैं अब हमारे पास एक तगड़ा एनिमी आ चुका है, और हमें दिखाया जाता है बी क्लास हाई ड्रैगन कैनन गोश्त को। ये कैनन जैसा गोश्त भाई क्या गोश्त है, अजीब नमूना लग रहा है ना, और वो उस कैनन को एनर्जी इकट्ठी करने लगता है शूट करने के लिए, और वो शूट कर देता है, और उसकी पावर इतनी ज़्यादा पावरफुल होती है कि जो फैटी का ड्रैगन होता है उसमें चोट लगती है उसके, और वो दूर जाकर गिरने लगते हैं, उसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब होने लगती है। और तभी बाइक के टीम मेंबर उसके पास आते हैं और उसे बोलते हैं हे फैटी क्या तुम ठीक हो, और उसको जो हीलर होती है ब्लैकी उसे हील करना स्टार्ट कर देती है और उसे बोलते हैं मैं इसकी ट्रीटमेंट करने में मदद करूँगी। तभी जो फैटी होता है वो गुस्से में उठता है और बोलता है अब हमें अपने आप पर ही वह सर्वाइव करना होगा, सर्वाइव रहने के लिए काबिल रहना होगा और हमें अपनी स्ट्रेंथ पर भरोसा रखना होगा। तभी वो उठता है और उससे बोलता है ये तो बस एक बी लेवल का गोश्त है, हम इससे इतनी आसानी से नहीं हार सकते, और बोलता है आज मैं फैटी मैं तुम्हें दिखाऊंगा तुम्हारे और तुम्हें कर्मों की सजा दूंगा आज और अपनी पावर दिखाऊंगा तुम्हें। और हमारा तभी नेक्स्ट सीन शिफ्ट होता है एक अजीब सी जगह पर, एक पेड़ पर एक ट्री पर एक किसी को दिखाया जाता है खड़ा हुआ जो पेड़ पर अपना हाथ रखकर कुछ चमक रहा होता है और उसमें से स्पिरिचुअल पावर जैसी एनर्जी निकल रही होती है। तभी हमें दिखाया जाता है एक नमूने को जिसका नाम होता है और ये उन आठ बड़े गोश्त किंग में से होता है जिसकी पावर ए लेवल पर होती है और वो सक्सेसर होता है उन आठ गोश्तों में से, और बोलता है उसमें से पेड़ में से एनर्जी निकालते हुए जैसा कि मैंने कांगलान माउंटेन से उम्मीद की थी इसकी जो स्पिरिचुअल पावर है वह बहुत ज़्यादा है और जब तक मैं इस माउंटेन की स्पिरिचुअल वीन को एब्जॉर्ब कर लेता हूँ अपने अंदर तो मैं अपनी पावर को और ज़्यादा बढ़ा सकता हूँ, और तो और ए क्लास की स्ट्रेंथ प्लस गोश्त किंग की ताकत, चलो देखते हैं आगे चलकर आखिरकार वो लिन मेरे साथ करता क्या है। जी हमारा पुराना विलन है, खैर इसका नाम तो याद नहीं क्योंकि 3 महीने हो चुके हैं यार, मतलब 2 महीने रिकॉर्ड नहीं किए तो उसका नाम तो याद नहीं है, भूल गए, लेकिन अपन इसको कुछ भी नाम से दे देंगे बस समझ जाएंगे लोग को याद तो आ जाएगी जिसने दिया होगा, मैं देख लूँगा। तभी जो हमारा गोश्त होता है वो उससे बोलता है
इस स्पिरिचुअल बीन को, स्पिरिट बीन को एब्जॉर्ब करने के लिए तुमने अनइंटेंशनली काफ़ी ज़्यादा गोस्त को अनसील्ड कर दिया है, जिसके कारण जो गोस्त टायर्ड है वो वहाँ पर आई है। तो ये वो उससे कहता है, ये तो बहुत ज़्यादा अच्छा है, जब तक हमारे आसपास गोस्त हैं तब तक उनकी जो अटेंशन है, उनका जो ध्यान है भटकाने का, सबसे अच्छा काम करेंगे वो लोग और हमारे ट्रैक्स को भी कवर करेंगे और कोई भी हमारा अंदाज़ा नहीं लगा पाएगा कि हम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं। तभी वो उसे भेज देता है बड़े गोस्त को और बोलता है, जल्दी से बाहर जाओ और आसपास देखो और किसी भी क्रीचर को इस माउंटेन के अंदर मत आने देना। और तभी वो बोलता है, अच्छा ठीक है। और तभी जो नमूना होता है, जो गोस्त होता है, गोस्त एल्डर, वो उससे बोलता है, जो वैसे उस कॉलेज का एल्डर ही है, मतलब कैसा कहें टीचर, वो भाग गया, उसका नाम तो याद नहीं आ रहा, खैर छोड़ो, बोलता है, लिटिल ब्रैट, जब से तुमने उस सोल जेट को एब्जॉर्ब किया है और अपनी फुल्ली ट्रांसफॉर्म हुआ है ये गोस्त किंग में, तब से ये मुझसे ढंग से बात नहीं करता है और तो और मुझे इस तरीके से इस्तेमाल कर रहा है अपने चमचे की तरह। अगर मुझे ये सब पहले से पता होता तो मैं कभी भी वो सोल जेट उसको नहीं देता एब्जॉर्ब करने के लिए। तभी हमें लिन की एंट्री दिखाई जाती है, लिन अपनी होंगे के साथ वहाँ पर पिकनिक पर आया होता है, घूम रहा होता है, मस्त पार्टी वार्टी चल रही होती है, लव शव चल रहा होता है और बोलता है होंगे से, ये प्लेस वाकई में बहुत ज़्यादा अच्छा है रेस्ट करने के लिए। इसको देखने के बाद वो एल्डर बहुत ज़्यादा घबराने लगता है और सरप्राइज होते बोलता है, ये लिन तो वाकई में यहाँ पर आ गया है और ये पहले जा चुका है, अब यहाँ से अकेला जाने की हिम्मत ही मत करना और सोचना ही मत यहाँ से निकलने की, तुम बचकर निकल जाओगे, और अपनी स्पिरिचुअल पावर से अटैक करने की सोचने लगता है उस पर। और बस इसी के साथ हमारा एपिसोड खत्म होता है। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा एंड वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। अच्छा गाइस, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, कमेंट करके जरूर बताएंगे और जान पहचान तो चलती रहेगी, और मिलते वाला शेयर वेयर कर दो यार, अब क्या ही बोले, अब बस ऐसे ही लगे रहो, मज़ा आ जाएगा एकदम से झकास। और कुछ कहना तो नहीं चाहते, लाल कलर का बटन दिबरा दिख ही रहा होगा, उसे दबा दो, कोई पैसे वैसे तो लग नहीं रहे और थोड़ा सपोर्ट बढ़ रहा है, बस यही सपोर्ट है और कुछ मांग नहीं रहे, दोस्त हैं अपने, भाई लोग हैं, कर ही दोगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइस, बाय बाय।